आप सबका वेलकम है मेरे इस चैनल में। मेरा नाम है सार्विंदो और आप मुझे यहाँ इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे होने वाले हैं जस्ट 30 के, तो जल्दी से जल्दी सपोर्ट कर दें। और अगर आपने सपोर्ट कर दिया है तो थैंक यू यार इतना प्यार दिखाने के लिए। और जो आज इस फोटो का ट्यूटोरियल है, और जल्दी से वॉच करते हैं। और अगर आपको इसके विंग्स और ये स्कल, ये फायर चाहिए तो उसके डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के लिंक है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। और टेलीग्राम और मीडिया फायर के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं इनको। और सारी चीज़ें मैं क्रिएट करना बताऊंगा आपको जल्दी जल्दी। सो जंप करते हैं डायरेक्ट पिक्सार्ट के अंदर। सो यहाँ ये बैकग्राउंड है, और थोड़ा फ्लिप कर देता हूँ फ़ोन को। और यहाँ से आपको ऐड करना है अपने आप को सबसे पहले, और ये पहले ये इसको ऐड करना और फिर ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ऐड हो चुके हैं। और यहाँ मैं सबसे पहले बताऊँ तो इस चीज़ को जहाँ पे भी आपने मतलब लाइक ऐसे सेट करना है कि मुझे यहाँ बैठना है, लाइक इसमें होगा कि हाँ मुझे यहाँ पे बैठना है भाई और मेरे को यहीं पे विंग सेट करना है, तो यहाँ पे रहूँगा मैं, ठीक है। उसके बाद वो जो पीछे वाली है उसको लेके आऊँगा और जस्ट सेम रखूँगा। और फिर यहाँ से ब्लेंड में मल्टीप्लाई क्लिक करूँगा, इससे मेरी शेडो वापस आ जाएगी जो मैंने लूज़ करी थी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शेडो पूरी आराम से वापस आ गई है मेरे पास, ठीक है। अब मैं जाता हूँ दोबारा ऐड फोटो के अंदर, ठीक है। और यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ विंग्स, ठीक है। विंग्स बहुत ही इजी हैं डालने और ऐड करने इसमें। सो विंग्स को बड़ा कर लेता हूँ मैं, जैसा मेरे को चाहिए मैं वैसा ऐड कर लेता हूँ। सो ऐसे, और ये वाला विंग ऐसे मेरे को चाहिए था थोड़ा बड़ा, लाइक सर्कल क्रिएट करे वो पूरा। ठीक है, हाँ देखने में भी सही है। और फिर इरेज कर देना, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। तो यहाँ पे अच्छे से इरेज कर दिया और टिक करके डन कर देता हूँ यहाँ पे। सो ये कंप्लीट हो गया इतना। अब मैं दोबारा आता हूँ, इसे बैक करूँ ऐड फोटो में, और यहाँ से स्कल और ये ऐड करता हूँ मैं। सो स्कल को मुझे यहाँ प्लेस करना है, जहाँ मेरे को चाहिए आप वहाँ प्लेस कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे। और फायर को जस्ट इसी के ऊपर करना है मुझे, तो अप कर दूंगा। और फिर यहाँ से इसे पैक करके ब्लेंड स्क्रीन, अब फायर को बड़ा कर दूंगा मैं थोड़ा, और इसको जो है जो स्कल है स्कल को थोड़ा नीचे लाके अब बड़ा करना है मुझे, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। सो अब परफेक्ट लग रहा है मुझे, ठीक है। इसके बाद आप जो ऐड करते हैं थोड़ा सा फ़ोटो में फ़र्क आएगा, क्योंकि ये एकदम से लैपटॉप से फ़ोन में क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा इशू आ जाता है कभी कभी, तो उतने माइनर चेंजेस है लेकिन सेम कंसेप्ट सेम रहता है हमेशा, चेंज नहीं होता, ठीक है। फिर ऐड फोटो में जाना है और अब ऐड करना है अपने ये विंग्स और ये, ठीक है। इसको अभी साइड कर देता हूँ, पहले विंग्स, सो एग्जैक्ट इससे मैच करने की कोशिश करें पूरा, तभी आपके रिम बहुत अच्छी क्रिएट होगी। और अगर ये क्रिएट नहीं करना आता आपको, तो तौकीर भाई का एक ट्यूटोरियल है, उसमें बता रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो वाली आप देख सकते हैं।